इंदौर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कई ख्याति प्राप्त कवि काव्य पाठ का पाठ करेंगे। इस दौरान इंदौर क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई हस्तियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हिंद प्रहरी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल इंदौर में संस्था हिंदू प्रहरी के द्वारा 24 अप्रैल को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है। इस कवि सम्मेलन में देश के ख्याति प्राप्त कवि हरिओम पवार, शंभू शिखर, गौरव चौहान और शशिकांत यादव जैसे कवि अपने अक्षर काव्य का पाठ करेंगे। इस कवि सम्मेलन में हिंद प्रहरी सम्मान की परंपरा भी शुरू की जा रही है। इस वर्ष का हिंद प्रहरी सम्मान पश्चिम बंगाल में विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास में लगे देवदत्त मांझी को दिया जाएगा। साथ ही इंदौर के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई हस्तियों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें एडीएम अभय बेड़ेकर सहित कई अन्य सामाजिक लोग भी शामिल हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि इस कवि सम्मेलन में प्रवेश निःशुल्क रखे गए हैं। सभी का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी संस्था है हिंदू प्रहरी विश्वम के तत्वाधान में 24 अप्रैल 2022 को एक कवि सम्मेलन का आयोजन हम लोग कर रहे हैं बास्केटबॉल क्लब में। शाम 6 बजे से ये आयोजन चालू होगा और जिसमें अपने हरिओम पवार जी, शंभू भाई, अमन अक्षर जो हमारे शहर के प्रसिद्ध कवि हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। और संस्था इस साल हम लोग 9 लोग विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया है अपने अपने क्षेत्रों में, उनका हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं, जिसमें प्रशासनिक में श्री अभय बेडेकर जी। संस्था विश्वम हमारी विश्वा हिंदू प्रहरी हमारी संस्था का नाम है और इसमें हम लोग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जो 75वां आज़ादी का अपना स्वराज अभियान चल रहा है उसी के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इसमें अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रख्यात कवि हरिओम जी पंवार, गौरव सिंह जी चौहान और हमारे भाई अमन अक्षर, ये सभी लोग उसमें अपना काव्य पाठ करेंगे। इस अवसर पर शहर की 9 हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किए हैं, उन सभी का सम्मान भी संस्था द्वारा किया जाएगा। साथ ही में एक हिंद प्रहरी अवार्ड इस वर्ष से चालू किया गया है और उस हिंद प्रहरी अवार्ड में जो देवदत्त मांझी हैं पश्चिम बंगाल से, उनका इस वर्ष सम्मान किया जा रहा है। और साथ में दिल्ली से हमें जो विशेष इसमें सानिध्य मिल रहा है, श्री अश्विनी उपाध्याय जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे वकील हैं, श्री संदीप जी देव हैं और श्री अंकुर जी आर्य हैं, ये सभी लोग इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। शहर के सभी जनप्रतिनिधि और शहर की सारी सामाजिक संस्थाओं को हम लोगों ने इसमें इनवाइट किया है, उनके प्रतिनिधि और उनके सारे सदस्य भी इसमें उपस्थित रहेंगे। कितने लोग शामिल? लगभग 2500 लोगों की शामिल होने की पूरी उम्मीद है इसमें, जिस हिसाब से हम लोगों ने शहर के विभिन्न स्थलों पर पास डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था भी की हुई है, जैसे कि विजयनगर से लेकर एरोड्रम रोड, भंवर कुआं रोड, सभी क्षेत्रों में पासेज उपलब्ध हैं। प्रवेश निःशुल्क है लेकिन प्रवेश पत्र से है और शहर के विभिन्न स्थलों पे। और इसमें जी, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी हूँ, संस्था विश्वम का मैं उपाध्यक्ष हूँ। आप श्री पारस जी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।